एक कहानी पाकिस्तानी मैंने इलेक्शन 2018 से पहले दी आफ्टर मून शो विद यासिर के लिए लिखी थी और उस वक्त यासिर हुसैन ने पढ़ी भी थी, अलबत्ता खुद मैंने अब तक नहीं पढ़ी थी। कुछ दोस्तों की फरमाइश और अपनी ख्वाहिश पे इसे पढ़ रहा हूँ। कदीम यूनान में सख्त तूफान में आलम वीरान में एक शख्स अनजान था, हैरान परेशान था, अंदेशाए नुकसान था। सामने एक शेर था, भूख से तड़प रहा, जबकि 25 साल से था कुछ न कुछ हड़प रहा। तीर भी हवा में था, बल्ला भी था, मैदान था, इलेक्शन का साल था, ये मेरा पाकिस्तान था। खिदमत इंसान करने को सभी तैयार थे, दावे पारसाई के पर सबके सब तैयार थे। कोई मेट्रो के नाम पे ख्वाब था दिखा रहा, कहीं रोटी कहीं कपड़ा कहीं नारा मकान था। नौजवान एक टीम थी और बूढ़ा एक कप्तान था, पुरानी पैकेजिंग में अब नया पाकिस्तान था। हक की एक किताब थी, क्या पता किधर गई, पहले मुत्तहिद थी जो वो वर्क वर्क बिखर गई। वोटरों की जेब भी थी, बार बार कट चुकी, रंग नस्ल फिरकों में कौम भी थी बढ़ चुकी। जमीर सो रहे थे और नशे में इनकलाब था, इकबाल ने जो देखा था क्या यही वो ख्वाब था। किस्सा मुख्तसर करूं तो आदमी नादान है, जैसा कल यूनान था आज पाकिस्तान है। तो खुद को अब पहचान लो और बात अब ये मान लो कि बस वोट की ताकत से बदलेगा गरीबों का नसीब। रास्ता दुश्वार है पर आएगी मंजिल करीब। एक नई उम्मीद के साथ लेकर हो गया हूं हाजिर आप सबका फेवरेट द आफ्टरनून शो विद यासिर।